नमस्कार दोस्तों, अमित थिंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम आसानी से अपने स्मार्ट टीवी पर, जो कि एलजी हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, एमआई हो, उसमें जाकर हम कैसे यूट्यूब चला सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्ट टीवी पर। उसके बाद इंटरनेट चला के देखेंगे ब्राउजर पर, फिर हम यूट्यूब चलाएंगे। टीवी ऑन कीजिए, यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे क्लिक कीजिए। ये हमने आपको रिमोट भी दिखाया हुआ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए सारी सेटिंग्स आ गई, पिक्चर मोड, एस्पेक्ट रेशियो, साउंड मोड, साउंड आउट। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नेटवर्क लिखा है, क्लिक कीजिए। क्लिक करते देखिए टीवी का नाम आ गया, वाईफाई कनेक्शन कनेक्टेड है, इस पर क्लिक करते हैं। आपका कनेक्टेड नहीं होगा तो नहीं लिखा होगा यहाँ पे, बट वाईफाई कनेक्शन सेटिंग्स में आप पहुंच जाएंगे। ये हमने कनेक्ट किया हुआ है तो देखते हैं हम उस पर कनेक्ट करते हैं। जो नेट कनेक्ट नहीं हुआ हुआ तो उस पर जाते हैं। ये देखिए studypeter.com है, इस पर क्लिक करेंगे। आपका कोई भी नेट जो कनेक्टेड हो वो है, उस पर आप कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जाके पासवर्ड डाल दीजिए इसका, मैं डालता हूँ। ये मैंने डाला, आप पासवर्ड देखना है तो शो पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। देखिए पासवर्ड आ गया, अब कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए पासवर्ड आ गया, अब कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा। अब देखिए दोस्तों टिक मार्क आ गया, ये रहा मतलब कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि हम इंटरनेट कैसे चला सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको यूट्यूब चलाना है तो ये होम बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों नीचे देखिए सारे आ गए, ये आपको यहाँ पे यूट्यूब दिख जाएगा, अपने आप ही होगा यहाँ पे। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जाके कंटेंट स्टोर पे जाइए। ये रहा देखिए कंटेंट स्टोर लिखा है, यहाँ पे जाके यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे स्मार्ट टीवी यूट्यूब को पहले से इंस्टॉल करके प्री इंस्टॉल्ड रखते हैं। तो यहाँ से बस आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों YouTube ओपन हो गया, ये सब आ गया। देखिए अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही आसान है। अब आपको अगर कोई गाना सर्च करना है तो ऊपर देखिए ये लिखा है सर्च का बटन, उस पर क्लिक कीजिए। आपको साइन इन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सर्च करना है आपको। जैसे मैं अपना चैनल सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए अपने आप आ जाएगा सारे। ये रहा चैनल, मैं इस पर क्लिक किया अमित थिंग्स पे, ये देखिए ओपन हो गया। अब आपको देख लेते हैं कोई भी चैनल को कैसे सर्च, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके स्मार्ट टीवी पर उसे कैसे यूज करना है। ये वीडियोस आ गई सारी नई वाली। अब मैंने, अगर आपको ये चैनल ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए चैनल आइकन पे। अभी चैनल ओपन हो गया, ऊपर इमेज आ गई चैनल की। ट्रेलर एक्सेस करना है, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बट आपने साइन इन नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। पॉपुलर अपलोड्स आ गए बिल्कुल जैसे सिस्टम पे आता है। देखिए प्लेलिस्ट आ गई। अब कोई भी वीडियो ओपन करनी है या फिर वापस जाना है तो ये बैक का बटन है, देखिए नीचे भी लिखा है बैक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए अपने रिमोट पे। मैंने क्लिक किया, मैं वापस आ गया। आप दोबारा क्लिक कर देते हैं, आप देखिए ये आ गया लेफ्ट में। या तो आप ये वाले कर्सर की यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट में जाने के लिए। ये होम आ गया यूट्यूब का, मैंने क्लिक किया, अब वापस गए लेफ्ट में। अब ये म्यूज़िक पे जाना सीधा तो ये आ गया म्यूज़िक पे, यूट्यूब म्यूज़िक पे। न्यूज़ में गए तो यहाँ पे आ गए, सारे आ गए। साइन इन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यूट्यूब का। सेटिंग में चलते हैं, मैंने ऑटो प्ले ऑन किया हुआ, एक गाने के बाद दूसरा चल जाएगा। ये रहा ऑटो प्ले, इसको ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ से, यही वाले माउस कर्सर यूज़ करके, अपने सॉरी रिमोट का कर्सर यूज़ करके। अब ये सब सारे ऑप्शन आ गए। लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, वॉच हिस्ट्री हटानी है तो यहाँ से, सर्च हिस्ट्री हटानी तो यहाँ से। आपको रीसेट करना है दोबारा से वैसा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये बाकी सारी डिटेल्स आ गई। दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम यूट्यूब ऐप को स्मार्ट टीवी पर चला सकते हैं, उस पर काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो साइन इन पर क्लिक कीजिए और साइन इन कर दीजिए अपने जीमेल आईडी से। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी अपना यूट्यूब चला पाए स्मार्ट टीवी पे तो कमेंट में जरूर डालिए, कोई एरर आ रही है तो भी लिखिए। याद रखिएगा आपको इंटरनेट चाहिए, वो भी हमने आपको सिखाया कैसे इंटरनेट चलाना है अपने स्मार्ट टीवी पे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अमित थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।